हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए ये कॉटन की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको दो कलर का कपड़ा, लेस, चैट बटन, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने कॉटन के कपड़े से बनाकर तैयार की है, इसलिए इसे पहनकर हमारे गोपाल जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पोशाक बनाने के लिए 4.5 इंच चौड़ी और 40 इंच लंबी एक पट्टी कॉटन के कपड़े में से कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर लेस लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और लेस लगाते जाएंगे। ये मैंने कॉटन की लेस ली है, आप कोई भी लेस ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये लेस यहाँ पर लगाने के बाद अब साइडों में से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी बना लेंगे दोनों साइडों से। तो इस तरीके से ये पट्टी तैयार करने के बाद अब हम इसको प्लेट डालकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से लगभग 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से प्लेट बनाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। फिर से 1.5 इंच की दूरी पर प्लेट बनाएंगे और पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की दूरी लगभग आधा इंच होगी, ये देखिए इस तरीके से। और ऐसे प्लेट बनाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से प्लेट बनाने के बाद अब हम इस पर नेफा बनाएंगे। तो नेफा बनाने के लिए मैंने 2 इंच छोड़ी और जितना हमारा ये पोर्शन है उसमें 1 इंच प्लस करके एक पट्टी कट कर ली है। हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से उल्टा करना है और लगभग आधा इंच बाहर की साइड निकालते हुए इस पट्टी को यहाँ पर सिल देना है। अब ये देखिए, इसको सीधा करेंगे, इस पोर्शन को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर नेफा बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बीच में डोरी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए, मैंने 4 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी कॉटन के कपड़े में से कट कर लिया है। हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको तिरछा कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और इसके तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी
और साथ सात इंच लंबी दो पट्टियां कट की हैं। हमें क्या करना है, ये देखिए इसको यहाँ पर इस तरीके से सिलना है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पूरी लंबी पट्टी को फोल्ड करना है इस तरीके से। अब एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से इस साइड में भी लगा लेंगे। इस पीस को इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हम इसे अपने घेर में अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर अटैच करने के बाद अब हम पीछे की साइड में चिटचिट बटन लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चिटचैट बटन लगा दिया है। इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।